क्वेश्चन टेन है ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम विद ए डी पेलल बी सी ए बी सी डी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे ए डी जो है ना बी सी के पेलल है एंड ए डी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एक गिवन है ए डी क्या है फोर सेंटीमीटर है इफ द डायगोनल्स ए सी ये जो डायगोनल्स ए सी है एंड बी डी और ये जो बी डी है इंटरसेक्ट इच अदर रेटो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे सच दैट क्या बोलता है कि ए डिवाइड बाई OC ओ सी इक्वल टू डी ओ डिवाइड बाई ओ बी इक्वल टू हाफ है देन बी सी इक्वल टू ठीक है तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग ट्रैंगल ओ ए डी है ना इन ट्रैंगल ओ ए डी एन ट्रैंगल ओ बी सी इन दोनों ट्रैंगल में देखिएगा तो ए वाला एंगल ए वाला एंगल विकली अपोजिट एंगल है तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी है न ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है दूसरा ए वाला एंगल मतलब एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये है ना तो ये दोनों जो एंगल इक्वल हो जाएंगे सिमिलरली एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है गिवन है कि ए डी जो है ना पैरेलल है किसके बी सी के तो अगर ए डी और बी सी है तो ये दोनों इंटरनल एंगल इक्वल होगा और ए भी इक्वल होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ओ ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी के है ना एंगल एंगल रूल से अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके साइड से के जो रेशियो हैं ना वो भी सेम होंगे तो ए डिवाइड बाई ओ सी इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई बी सी ठीक है अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे वन बाई टू दिया हुआ है तो वन बाई टू इक्वल टू और ए डी का वैल्यू है फोर और डिवाइडेड बाई बी सी सो सो दैट बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इन टू इक्वल टू एट सेंटीमीटर तो हमको बी डी का वैल्यू क्या मिला बी सी का वैल्यू यहाँ पे मिला हम लोगों को एट सेंटीमीटर तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एट सेंटीमीटर